Assalamualaikum everyone I hope you all are doing good तो इस वीडियो में बेसिकली एक टेस्ट डिस्कशन करवाई जाएगी जो कि एक मॉक टेस्ट हुआ था जो कि मैंने इंस्टाग्राम पे भी अनाउंस किया था और यूट्यूब पर भी अनाउंस किया था 18 जुलाई को मंडे वाले दिन एक टेस्ट था मॉक टेस्ट था बिल्कुल फ्री था उसमें वन ट्वेंटी एम सी क्यूज़ थे और हर पोर्शन बायो फिजिक्स और केमिस्ट्री के फोर्टी एम सी क्यूज़ थे तो वो जो टेस्ट था मेरे ख्याल से आपने काफ़ी लोगों ने अटैम्प्ट किया होगा और अगर आपने पहले अटैम्प्ट किया हुआ तो आप अभी भी इसको अटैम्प्ट कर सकते हैं मैं इसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूँगी वहाँ से आप इसको सिंपली लॉग इन करके तो टेस्ट को अटैम्प्ट कर सकते हैं और जो ऑबियसली जो बच्चे जो जो अब करेंगे दे विल नॉट बी अ पार्ट ऑफ कॉम्पिटिशन डिस्कशन जो है वो बायो और केमिस्ट्री पोर्शन की डिस्कशन आपको मेरे यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगी और जो फिजिक्स की डिस्कशन वीडियो है वो आपको फिजिक्स प्रोटेगोनिस के चैनल के ऊपर मिल जाएगी उस वीडियो का जो लिंक है वो भी मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगी तो अच्छा तो बायो से स्टार्ट करते हैं बायो का जो टेस्ट था वो बहुत ईजी था ठीक है बहुत ही बेसिक से क्वेश्चन आए हुए थे तो आई होप कि आपने अच्छा परफॉर्म किया होगा और अगर किसी की गलतियां हो भी गई हैं तो इट्स ओके ठीक है गलतियों से सीखना चाहिए उनको रिपीट नहीं करना चाहिए तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है उसको स्टार्ट करते हैं उसमें आर डी एन एसोसिएटेड विद Uh, सबसे एमजी क्यूस को अटैम्प्ट करने का सबसे बेस्ट तरीका यह होता है कि आप चारों के चारों ऑप्शंस को जरूर पढ़ें स्टेटमेंट को पढ़ने के बाद बेशक पहला पहला ऑप्शन आपको लग रहा है कि ठीक है लेकिन आपने सारे ऑप्शंस को जरूर पढ़ना है ठीक है वीडियो में शायद मैं उतना डिटेल में हर ऑप्शन को ना पढ़ सकूं लेकिन जब आप उसको सॉल्व करते हैं अटेम्प्ट करते हैं टेस्ट को तो आपने सारे ऑप्शन को गौर से पढ़ना है तो आर डी एन इज एसोसिएटेड विद क्वेश्चन जो है आपके सेल वाले चैप्टर में से आया हुआ है और इसका करेक्ट ऑप्शन जो है दैट इज डेल्टा ऑप्शन सेंट्रल फिब्रिल एरिया ऑफ न्यूक्लियोलस जो होता है ना ग्रैनुलर ग्रैनुलर सब्सेंसेज होते हैं वो होते हैं पेरिफिरल पार्ट में होते हैं न्यूक्लियोलस के और जो डी और आर वाले पार्ट्स पोर्शन होता है ना ये आपका सेंट्रल फिब्रिल फिब्रिल एरिया ऑफ न्यूक्लियोलस में होता है तो सो द करेक्ट ऑप्शन इज डेल्टा

थर्ड क्वेश्चन इज विच ऑफ दिस इज नॉट एन ए टी पी डिपेंडेंट प्रोसेस जो ए टी पी डिपेंडेंट प्रोसेस होते हैं जैसे कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट हो गया और उसके अलावा भी होते हैं और जो ए टी पी जिनमें ए टी पी यूज नहीं होती वो ए टी पी नॉन डिपेंडेंट प्रोसेस प्रोसेस होते हैं ठीक है तो इसमें जो ऑप्शंस हैं उसमें हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है हमने वो बताना जो कि एटीपी जिसके लिए ए की जरूरत नहीं होती तो वो है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन डिफ्यूजन का प्रोसेस फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन का प्रोसेस ये जो है नॉन दे डोट डे डो नॉट नीड ए ठीक है उसके अलावा जो बाकी पिनोसाइटोसिस है फेगोसाइटोसिस है एग्जोसाइटोसिस है दे रिक्वायर ए सो द करेक्ट ऑप्शन इन दिस इज फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन उसके बाद क्वेश्चन नंबर फोर पे आए तो उसमें यूनिट तो ऑफ अल्ट्रा साइंटिफिकेशन ठीक है और अगर हम अच्छा इसमें दो ऑप्शन काफी एक सेवनटी स्वेटबर्ग और एटी स्वेटबर्ग और नीचे डेल्ट ऑप्शन में है बोथ सेवनटी एंड एटी स्वेटबर्ग तो जो करेक्ट ऑप्शन है फोर्थ का वो ये इसका चार्ड ऑप्शन एटीजर्क जो वो करेक्ट है अगर यूक्रियोटिक राइबोसोम्स की बात करें तो डेट इज एटीज फेटवर्क और अगर प्रोक्रियोटिक जो बैक्टीरिया के राइबोसोम्स होते हैं उसकी उसका साइज की बात करें डेट इज सेवेंटी स्वेटवर्क उसके बाद क्वेश्चन नंबर फाइव पे आते हैं विच ऑफ दिस इज नॉट अ पार्ट ऑफ राइबोसोम राइबोसोम का जो पार्ट है राइबोसोम इज बेसिकली मेड मेड ऑफ प्रोटीन्स एंड आरएनए तो इसमें जो है uh, जो अल्फा ऑप्शन है वो आपका दैट इज नॉट अ पार्ट ऑफ राइबोसोम ठीक है तो हम इसी ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे कि राइबोसोमल डीएनए जो राइबोसोम्स होते हैं उसमें डीएनए नहीं होता ठीक है आरएनए होता है और प्रोटीन्स होते हैं और दोनों की ऑलमोस्ट इक्वल रेशो होती है उसके बाद है फॉलोइंग एज अ सेल्फ रेप्लिकेटिंग सेल्फ रेप्लिकेटिंग रेप्लीकेर्गेल में बेसिकली आपके पास क्लोरोप्लास्ट आ जाता है आपका और आ जाता है तो इसमें जो अल्फा ऑप्शन है क्लोरोप्लास्ट दैट इज द करेक्ट ऑप्शन ये आप, आपकी अगर पंजाब टेक्स्ट बुक में बात करूं तो वहां पर डायरेक्टली ये लाइन लिखी भी हुई है और बाकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन आउटर कवरिंग है राइबोसोम्स और होते हैं ये सेल्फ रेप्लिकेट नहीं कर सकते सो द करेक्ट ऑप्शन इज अल्फा क्लोरोप्लास्ट उसके बाद सेवन्थ एमसी्यू पे आओ तो विच इज नियर टू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो सेवन्थ क्वेश्चन है इसमें आपको मैं एक डायग्राम आपकी स्क्रीन के ऊपर शो करूंगी ठीक है तो उसको आपने ध्यान से देखना है कि जो आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसके सबसे बाहर जो होती है वो आपकी सेकेंडरी सेल वॉल होती है और उसके बाद फिर आ, जो है उसके बाहर प्राइमरी सेल वॉल होती है और जो मिडल लेमिला है ना वो जो सेल वॉल में प्राइमरी सेल वॉल के दरमियान मिडल एमिला फॉर्म होती है तो अगर डायग्राम को आप ध्यान से देखें तो इसमें जो प्लाज्मा में ब्रेन के सबसे जो करीब है डेट इज सेकेंडरी सेल वॉल इज द करेक्ट ऑप्शन और जो टोनो प्लास्ट है वो तो आपको पता है कि वैक्यूल का जो मेमब्रेन होता है वो होता है सो द करेक्ट ऑप्शन इज सेकेंडरी सेल वॉल एट एम सी क्यू पे आए तो उसका है द परसेंटेज ऑफ वाटर इन बैक्टीरियल सेल इज अबाउट इसका करेक्ट ऑप्शन डेल्टा है कि सेवेंटी परसेंट अब मेमेलियन सेल्स में भी और जो उसके अलावा बैक्टीरियल सेल्स है दोनों में सेवेंटी परसेंट जो होता है वाटर होता है और जो अमाउंट ऑफ हीट एब्बॉर्ब व्हेन अ लिक्विड चेंजेस इन टू गैस इज एक्सप्रेस इन कैलोरीज पर ग्राम वेपोराइज इज कॉल डेफिनेशन है सिंपल टेक्स्ट बुक की लाइन है पंजाब टेक्स्ट बुक में ही बहुत इजीली लिखा हुआ है बाकी टेक्स्ट बुक में भी लिखा होगा तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो है नाइन्थ का हुआ है चार्ली हीट ऑफ वेपराइजेशन इसकी वैल्यू जो है वो भी आ, बुक में लिखी हुई है कि ऑलमोस्ट फाइव सेवेंटी फोर किलो कैलोरीज़ पर के जी इतनी वैल्यू होती है इसकी सो so, इसने आपको इंपॉर्टेंस पता चल रही होगी कि बायो के लिए आपने एमडी कैट में टेक्सट बुक की लाइन्स को बहुत अच्छी तरह पढ़ना है हर लाइन को पढ़ना कोई भी लाइन आपने स्किप नहीं करनी उसके बाद टेंथ क्वेश्चन है ब्रेन सेल्स ऑफ मैन कंटेन्ट्स एटी फाइव परसेंट एटी फाइव परसेंट वाटर ये भी बुक आ, बुक इन तो बायो के लिए बेसिकली आपने बुक की हर लाइन हर जो भी इंफॉमेशन लिखी है उसको बहुत अच्छे से करना है बहुत सी चीजें क्रैम करने वाली हैं जैसे परसेंटेजेस हैं तो उनको आपने एज इज क्रैम कर लेना है ठीक है Kwento no bay ऑल ऑफ द फोन एलिमेंट्स आर फाउंड इन ऑल कार्बोहाइड्रेट्स एक्सेप्ट कार्बोहाइड्रेट्स में सभी को पता है कि कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होता है और जो नाइट्रोज है वो कार्बोहाइड्रेट्स में नहीं होता ठीक है बेसिकली थ्री एलिमेंट है कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है तो इसका जो ऑप्शन आप सेलेक्ट करेंगे नाइट्रोजन क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कार्बोहाइड्रेट तो कार्बोहाइड्रेट कौन सा नहीं है वो है आपका क्यूटी क्यूटीन इज बेसिकली एलिपिड जो कि क्यूटिकल ऑफ एपिडर्मिस के ऊपर आपको मिलेगा तो बाकी जो स्टार्स है और ग्लाइकोजन है

उसके बाद है प्लांट्स पेयर ग्रीन बिकॉज दे अच्छा सिंपल सी बात है कि प्लांट्स जो होते हैं वो जो लाइट लाइट के जो आ, कलर्स को एब्जॉर्ब कर लेंगे ना वो फिर उनको रिफ्लेक्ट नहीं करेंगे और जिनको रिफ्लेक्ट करें वो हमें नजर आएंगे तो प्लांट्स हैं दे बेसिकली एब्जॉर्ब ऑल अदर कलर्स एक्सेप्ट ग्रीन लेकिन ग्रीन को वो एब्सॉर्ब नहीं करते उसको रिफ्लेक्ट करते हैं तो डैट्स वाई दे अपियर ग्रीन तो फोर्टीन जो क्वेश्चन है इसका जो करेक्ट ऑप्शन बन रहा है डेट इज बीटा एब्सॉर्ब ऑल द लाइट एक्सेप्ट ग्रीन ग्रीन को वो रिफ्लेक्ट करते हैं इस वजह से वो हमें ग्रीन शो होते हैं बाकी जो ऑप्शन हैं दे आर इनकोरेक्ट वो यहां पे सूटेबल नहीं है क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन पे जाएं तो द मेलेकुलर फार्मूला ऑफ क्लोरोफिल ए इज अब इसमें क्लोरोफिल um, ए का जो मेलेकुलर फॉर्मूला है डेट इज करेक्ट ऑप्शन इज चार्ली ये जो भी फॉर्मूला लिखा हुआ है इसमें और जो डेल्टा ऑप्शन है डेल्टा ऑप्शन क्लोरोफिल बी का फार्मूला है और जो चार्ली uh, ऑप्शन uh, है वो क्लोरोफिल ए का फॉर्मूला है सो so, इसको आपने एज इट इज याद करना है और इनको कन्फ्यूज नहीं करना सिक्सटीन पे आए तो सिक्सटीन पे इट इज अ कॉपर कंटेनिंग प्रोटीन इन्वॉल्व इन फोटोसिन सो सिक्सटीन का करेक्ट ऑप्शन है चार्ली प्लास्ट uh, प्लास्टोसाइनिन इसके शायद थोड़ा स्पेलिंग्स में मिस्टेक आ रहा है लेकिन जो प्लास्टोसाइनिन होता है वो आपका कॉपर कंटेनिंग प्रोटीन होता है बाकी जो साइडोक्रोम फेरिडोक्सिन uh, और प्लास्टोक्विनोन है डेड नॉट कंटेन कॉपर ठीक है तो इनकी आपने याद रखना है कि किस में कौन सा एलिमेंट मेनली होता है तो वही बात की टेक्स्ट बुक के लाइन्स को कभी नहीं छोड़ना आपने बायो के लिए एटलीस्ट तो हमेशा टेक्स्ट बुक पर ही स्टिक करना है ठीक है कोई इधर उधर शॉर्ट नोट्स उनकी तरफ नहीं जाना टेक्स्ट बुक को ही अच्छी तरह पढ़ें क्वेश्चन नंबर सेवनटीन ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऑर्गेजम्स कैन बी डिवाइडेड इंटू हाउ मेनी ग्रुप्स क्वेश्चन नंबर सेवनटीन का करेक्ट ऑप्शन है अल्फा टू ग्रुप्स है और आटोट्रॉप्स ऑर्टोट्रॉप होते हैं जैसे कि प्लांट्स जो कि अपना फूड खुद प्रोड्यूस करते हैं और जो हैड्रोट्रॉप्स होते हैं जो कि ऑटोटॉप्स के ऊपर या दूसरे ऑर्गेजम्स के ऊपर बेसिकली डिपेंड करते हैं फॉर देर न्यूट्रिशन सो टू टाइप्स आर ऑफ ऑर्गेनिज्म आर देयर अकॉर्डिंग टू ऑन द बेसिस ऑफ न्यूट्रिशन ठीक है क्वेश्चन नंबर एटीन की बात करें तो ऑल आर इन ऑल द इन सेक्टिवर्स आर ये पंजाब टेक्सट बुक में बिल्कुल डायरेक्टली लिखा हुआ है बाकी बुक टेक्स uh, बुक्स में ऑब्वियसली लिखा होगा कि जो इंसेक्टिव प्लांट्स होते हैं दे आर ट्रू ऑटोट्रॉप्स वो ऑटोट्रॉप्स ही होते हैं लेकिन व्हेन दे नीड मोर न्यूट्रिशन तो फिर वो या uh, फिर दे कैन यू नो बिकम हेट्रोट्रॉप ऑन अदर इंसेक्ट्स बट बेसिकली उनकी जो नेचर होती है डेट इज ट्रू ऑर्टोट्रॉप उतना पूर्व खुद मैनुफैक्चर कर सकते हैं क्वेश्चन नंबर नाइनटीन की बात करें तो पायलोरिक स्पेंटर इज प्रेजेंट बिटवीन स्टमिक एंड इसका करेक्ट ऑप्शन जो है नाइनटीन का डेट इज बीटा ड्योरिनम स्टमिक क्या आपको पता है कि दो स्पैक्टर्स होता है एक पायलोरिक और दूसरा कार्डिक तो जो पायलोरिक होता है वो बाद में आता है ठीक है नीचे वाली साइड पर आता है तो पायलोरिक जो होता है डेट इज बिटवीन स्टमिक एंड ड्योडिनम और जो कार्डिक स्पैक्टर होता है डेट इज बिटवीन इसोफिगस एंड स्टमिक ठीक है क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी है विच एलिमेंट प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा तो आई थिंक आपका फर्स्ट ईयर की जो टेक्स्ट बुक है उसमें लास्ट चैप्टर है उसमें ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा में कुछ वगैरह लिखी हुई हैं तो उसमें एक पॉइंट है एक टॉपिक है इनफ्लक्स ऑफ पोटाशियम डिटेल है कि पोटासियम जब गार्ड सेल्स के अंदर एंटर करता है तो फिर वाटर भी उसको फॉलो करता है तो वो सारी जो वो सारा जो है उसमें जो उसका जो है वहां से एमसीओ निकला है कि पोटासियम आयन प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन है बीटा अलावा और crime, और आर नॉट करेक्ट आपने याद रखना है कि ये एपिडर्मल सेल्स होते हैं उनकी एक्सटेंशन होती है इसके आप डायग्राम भी देख सकते हैं उसके अकॉर्डिंग जो रूट हेयर्स हैं वो एपिडर्मिस से एक्सटेंड हो रही हैं उसके अलावा है परसेंटेज ऑफ ब्लड सेल्स अमंग होल ब्लड इज डैश परसेंट बाय वॉल्यूम अच्छा आप ब्लड में से 55 परसेंट आपका प्लाज्मा होता है और जो बाकी 45 परसेंट वो आपके ब्लड सेल्स होते हैं सो द करेक्ट ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 22 टू इज चार्ली 45 परसेंट Uh, जो होती है परसेंटेज है ब्लड सेल्स की इसमें आर आते हैं डब्ल्यू आते हैं और उसके अलावा प्लेटलेट्स वगैरह भी आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी थ्री इन एन एडल्ट आर आर प्रोड्यूड फ्राम तो आर आर बेसिकली प्रोड्यूसड फ्राम रेड बोन मैरो इन एडल्ट और जो फीटल लाइफ होती है उसमें आपके ये लीवर और स्प्लीन में प्रोड्यूस होते हैं लेकिन अडल्ट की हम बेसिकली बात करें यहाँ पे तो वो रेड बोन मैरो में प्रोड्यूस होंगे स्पेशली ऑफ बोन्स स्पेली चर्नम रिब्स एंड वर्टिप्री उसके बाद क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फोर है ईसीजी डायग्नोज एबनॉर्मेटीज ऑफ तो इट बेसिकली हेल्प डायग्नोज एबनॉर्मिलिटीज ऑफ रिथमिसिटी ऑफ हार्ट हार्ट रेट मतलब हार्ट की जो हार्ट बीट कर रहा है वो जो एक रिथम होता है हार्ट का उसको डायग्नोस करने के लिए उसमें जो नॉर्मेलिटीज होती हैं वो हम इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम के जरिए डायग्नोस कर सकते हैं इट इज अ वेरी इजी क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फाइव ऑल ऑफ द फॉलोइंग ड्रेन टू इन्फीरियर वैना कैवा एक्सेप्ट सो आपको पता है कि टू वेन्स मेजर वेन्स होती हैं सुपीरियर वेना कैवा और इन्फीरियर वेना कैवा जो कि ब्लड को लेकर राइट एट्रो में जाती हैं और इन दोनों में डिऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है जो सुपीरियर वैना कैवा है वो ऊपर वाला जो आपका जो मतलब हार्ट से ऊपर वाला पोर्शन है बेसिकली वहां से uh, जो डी uh, ब्लड है उसको ड्रेन करती है और जो इन्फीरियर ना वो आपके हार्ट के जो नीचे वाला पोर्शन होता है, आपका जो होती है आपके जो ऊपर एक क्लेविकल बोन होती है उसके आ, मतलब ऊपर वाले पोर्शन उससे रिलेटेड तो ये जो है ये बेसिकली ड्रेन करती है तो यही ऑप्शन करेंगे उसके अलावा जो बाकी इलियक, और रेनल वेन दे दे आर दे लीवर से, है, से आ रही होती है और जो रेनल वेन है वो आपकी किडनी में से आ रही होती है ब्लड को लेके तो जो सब वेन है वो आपके ऊपर वाले पोर्शन से लेके आती है और ये ड्रेन करती है कहवा में ठीक है तो क्वेश्चन के हिसाब से जो करेक्ट ऑप्शन है वो आपका है उसके बाद क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सिक्स पे चाहें तो लिम्फ इज अ फ्लुइड इन ट्रांसिट बिटवीन इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है आ, बीटा ठीक है बीटा और इसका इंटस्ट्रियल फ्लूड एंड ब्लड ये करेक्ट आंसर है ये आपकी पीटीबी में बिल्कुल डायरेक्टली लिखा हुआ है तो इसको आपने एज इट इज ही याद करना है डैट इज वाई एम सेंग टेक्स्ट बुक लाइन्स को जितना आप अच्छा कर सकते हैं उतना अच्छा करें एटलीस्ट बायो के लिए आपने टेक्स्ट बुक की हर लाइन को जरूर पढ़ना है उसके बाद क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सेवन पे चाहते हैं द मैकेनिज्म दैट इज फाउंड इन एनिमल्स ओनली आ, अच्छा सारे ऑप्शन है डिफ्यू एंड रेस्पायरेशन नर्वस कंट्रोल और हार्मोनल कंट्रोल तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है डेट इज नर्वस कंट्रोल क्योंकि नर्वस कंट्रोल जो होता है ये प्लांट्स वगैरह में नहीं होता ये सिर्फ एनिमल्स में होता है उसके बाद है स्ट्रेच रिसेप्टर्स प्रेजेंट इन द कैरोटिड एंड आर्टरीज ऑफ टेट्रापॉड्स आर एग्जांपल्स ऑफ क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी एट का करेक्ट ऑप्शन है डेल्टा मकैनो रिसेप्टर्स ये जो है इसकी इन्फॉर्मेशन आपकी अगर मैं पंजाब टेक्सट बुक की बात करूँ तो वहाँ पर एक साइड बॉक्स है आपका जो आपका नर्वस कंट्रोल वाला चैप्टर है उसमें सेकेंड ईयर की टेक्सट बुक में एक चैप्टर है वहाँ पर एक साइड बॉक्स बना हुआ है ठीक है जहाँ रिसेप्टर्स वाले टॉपिक में तो उसमें ये साइड बॉक्स में इंफॉर्मेशन लिखी हुई है कि ये मैकेनिकल जो है स्टिमुलस होता है इनका तो इस तरह से जो रिसेप्टर्स हैं दीज आर मकानोलो रिसेप्टर्स वैसे भी नाम से पता चल रहा है कि स्ट्रेच के रिसेप्टर्स हैं तो स्ट्रेच यानी कि कोई मकैनिकल फोर्स अप्लाई हो रही है तो ये हम मकैनोर रिसेप्टर्स कहेंगे बाकी जो थर्मो रिसेप्टर्स हैं वो हीट के लिए कोल्ड और वॉम्प को मतलब सेंस करते हैं फोटो रिसेप्टर्स लाइट को करते हैं और कीमो रिसेप्टर केमिकल्स को करते हैं उसके बाद क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी नाइन एन द कम्युनिकेशन बिटवीन टू न्यूरोन्स एसाइन एप्स इज मेड थ्रू जो असाइन एम्प्स होता है उसमें न्यूरोन्स की अगर बात करें तो न्यूरॉन्स में जो आ, है बेसिकली जो कम्युनिकेशन होती है डेट इज़ बाय द रिलीज ऑफ मॉलिक्यूल्स और न्यूरो जो कि बेसिकली प्रोटीन्स होते हैं न्यू ट्रांसमीटर्स के आपके बुक में नाम भी लिखे हुए हैं स्टाइलकोलीफ्रीन अपनाफ्रीन ठीक है तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है डेट इज चार्ली न्यूरो क्वेश्चन नंबर थर्टी की बात करें तो ग्रे मैटर ऑफ स्पाइनल कार्ड कंटेन्स ग्रे मैटर होता है आपका स्पाइनल कॉर्ड का उसमें सेल बॉडीज होती हैं और नॉन माइलिनेटेड ट्रैक्ट्स होते हैं और जो आपका व्हाइट मैटर होता है स्पाइनल कॉर्ड का उसमें आपके पास माइलिनेटेड ट्रैक्ट्स होते हैं लेकिन जो ग्रे मैटर है उसमें नॉन माइलिनेटेड ट्रैक्ट्स होते हैं जो आपने याद रखना है बुक इन्फॉर्मेशन को एज इट इज याद करना है उसके बाद क्वेश्चन नंबर थर्टी वन है ग्लूकागोन इंक्रीजेज ब्लड ब्लड ग्लूकोज लेवल मेनली बाई इंक्रीजिंग द ब्रेकडाउन ऑफ तो ग्लूकागोन जो है और इंसुलिन इनके आपस में ऑपोजिट फंक्शन होते हैं जो इंसुलिन है वो ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करता है और जो ग्लूकागोन है वो एनहानस करता है ब्रेकडाउन ऑफ ग्लाइकोजन बैक इंटू ग्लूकोज सो द करेक्ट ऑप्शन इज चार्ली क्वेश्चन नंबर थर्टी टू इन ह्यूमन टेस्टिस आर प्रेजेंट आउटसाइड द बॉडी इन अ सैक लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड स्क्रॉटम सो द करेक्ट ऑप्शन इज चार्ली स्क्रॉटम उसके बाद क्वेश्चन नंबर थर्टी थ्री है इवेंट्स ऑफ मैंस्ट्रल साइकिल आर रेगुलेटेड बाय इसका करेक्ट आंसर डेट इज पिचुएटरी गुनेडोट्रॉफिन यही करेक्ट ऑप्शन है क्योंकि जो आपके पिचुएटरी ग्लैंड होता है वहाँ से जो हार्मोन्स आ रहे होते हैं वो जो गनेडोट्रॉफिंस वहाँ से रिलीज हो रहे हैं वो आपके मैंस्ट्रल साइकिल को रेगुलेट करते हैं बाकी जो ऑप्शन है अपने सेंटल कोरियोनिक और पैटर्नल दिज आर नॉट द करेक्ट ऑप्शन बुक इन्फॉर्मेशन को बहुत अच्छी तरह आपने करना है क्वेश्चन नंबर थर्टी फोर इट प्रोवाइड्स एन अटैचमेंट साइट फॉर मसल क्वेश्चन नंबर थर्टी फोर का करेक्ट ऑप्शन अल्फा है कॉम्पैक्ट बोन कम्पैक्ट बोन जो होती है ये आपकी मसल्स uh, के लिए अटैचमेंट साइट प्रोवाइड करती है बाकी स्पॉन्जी बोन हायलिन कार्टलेज और फिब्रो कार्टिलेज दीज आर नॉट करेक्ट ऑप्शन ये मसल की मसल के लिए अटैचमेंट साइट प्रोवाइड नहीं करते क्वेश्चन नंबर थर्टी फाइव ब्लड वेसल्स डू नॉट पेनिट्रेट इन इसका करेक्ट ऑप्शन है कार्टिलेज कार्टिलेज में आपकी जो ब्लड वेसल्स हैं वो पेनट्रेट नहीं करती ये बुक इंफॉर्मेशन है एज इट इज आपने आ, मतलब बुक जिसने अच्छे से पढ़ी हो ना वो सारे इन क्वेश्चन को अच्छे से अटैम्प्ट कर सकता था क्वेश्चन नंबर थर्टी सिक्स विच टाइप ऑफ मसल्स आर फाउंड इन यूरेटर्स यूरेटर्स में आपकी स्मूथ मसल्स होती हैं उसके अलावा यूटर्स में भी स्मूथ मसल्स होती हैं सो नथिंग टू डू कार्डिक मसल्स आपकी बेसिकली आपकी हार्ट में होती हैं और स्केलेटल मसल्स हैं या जिनका दूसरा नाम स्ट्रिप्ट मसल्स है या स्ट्रेटेड मसल्स भी कहते हैं वो आपकी आ, जो मसल्स बोन के साथ बेसिकली अटैच होती हैं उनको आ, उनमें होते हैं ठीक है तो यूरेटर, यूरेटर्स में, युरेटर्स में इस तरह के जो ऑर्गन्स हैं, इस तरह के जो बॉडी पार्ट्स हैं, पार्ट तो आपने पढ़ा होगा वैक्सीनेशन वाले टॉपिक में स्मॉल बॉक्स के अगेंस्ट एडवर्ड जानर ने वैक्सीन बनाई थी सो द करेक्ट ऑप्शन इज बीटा उसके बाद थर्टी एट क्वेश्चन है it is, it is तो अगर इसको हम आ, आपने बैक्टीरिया वाला जो आपका चैप्टर है वहां पर जो शेप्स ऑफ बैक्टीरिया का टॉपिक है उसमें डिफरेंट शेप्स और डिफरेंट प्लेन्स में उन्होंने बताया मैं ठीक है तो जो एक शेप जो होती है सारसना शेप जो होती है उसमें आ, बेसिकली आपके एट कोकाय शेप आ, सेल्स होते हैं ठीक है और जो थ्री प्लेन्स ऑफ डिवीजन में आ, अगर थ्री प्लेन्स ऑफ डिवीजन में देखें तो उसमें आपको ये शेप मिलती है सारसीना की शेप ठीक है क्वेश्चन थर्टी नाइन इट शेप ऑफ़ बैक्टीरिया क्वेश्चन नंबर थर्टी नाइन का सेल वॉल सेल वॉल जो होता है बैक्टीरिया और ये उसकी शेप को करता है, उसको करता है. उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फोर्टी सेल वॉलेंट इन तो सेल वॉल इज बेसिकली माइक्रोप्लाजमाज और दीज आर यू नो द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स विच नॉट कंटेन द सेल वॉल और ये भी बुक इन्फॉर्मेशन थी सो आई होप के आपको समझ आ गई होगी और अगर आपने टेस्ट अटैम्प्ट करना है तो आप उसको डिस्क्रिप्शन में लिंक में ऐड कर दूँगी वहाँ से आप ऐड कर वहाँ से अटैम्प्ट कर लीजिएगा और उसके अलावा जो केमिस्ट्री की डिस, डिस्कशन वीडियो है वो भी मेरे चैनल पर ही आएगी एक और वीडियो में और जो फिज़िक्स की है वो आप फिज़िक्स प्रोटिकॉनिक्स के चैनल के ऊपर देख सकते हैं एंड शेयर विद योर फैलोज एज वेल ठीक है अला